आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे? रूट्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर। जैसे हमने उसमें पढ़े थे कनकेव में, सेम वैसे ही क्या है, जस्ट उसका वाइस वर्सा है, क्या है, कन्वेक्स के। ठीक है, तो हम सबसे पहले वाला पढ़ते हैं, फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल जो कहता है कि सबसे पहले तो हम कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ठीक है, कनकेव बनाया था उसके इस साइड थे, तो यहां पे हमारा क्या जाएगा फोकस, यहां हमारा क्या जाएगा सेंटर। ठीक है, और ये इस साइड क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारा क्या बन गया कंकेव, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, अब ये कहते हैं पहला इंटरवल है कि थोड़ी भी, उसमें भी ऐसे ही कहा कि जब कोई रे क्या होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कोई भी रे क्या आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, ये क्या आ रही है पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो ये इस कहां से पास हो रही थी कंकेव में, वो कहां से होती फोकस से, तो ये भी कहां से होती फोकस से, पर ये कहां चली जाएगी ऊपर की तरफ चली जाएगी सेम वैसे। ठीक है, ये हमारी थी इंसिडेंट रे, ये थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये था रूल नंबर वन। इसका जस्ट वाइस वर्सा क्या है, सेकंड रूल में इसके साथ ही करवा देता हूं आपको, वो क्या है सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर। अब ये क्या कह रहे हैं कि कोई रे अगर कहां से आती है, कोई रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, और वो कहां से जानी चाहिए थी, यहां से फोकस से जा रही है। ठीक है, कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है कन्वेक्स मिरर में, और कहां से जानी चाहिए, फोकस से जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे जाती है, जब मिरर से टकराती है तो कैसे जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पे जाती है, कैसे जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये थी हमारी, अब इंसिडेंट रे ये हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में आ गई है। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, ये थे हमारे दो रूल, इसके बाद दो रूल और पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड रूल है हमारा, जब कोई रे, इसी पे बना दूं मैं, नहीं अलग से बना दूं, देखो थर्ड रूल है हमारा, थर्ड रूल है इसका इसका थर्ड रूल ये क्या क्या कहता है कि जब कोई भी रे कहां से होकर गुजर रही है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर। ये कह रहा है कि जब भी कोई रे ये हमारा क्या है कन्वेक्स मिरर है, बार बार इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बार बार अच्छा नहीं लगता लिखना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं, कह रहा है कि कोई भी अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, किसी सोर्स से आ रही है, और वो कहाँ से गुजर रही है, सेंटर से होकर गुजर रही है। ठीक है, वो कहाँ से होकर गुजर रही है, सेंटर से होकर गुजर रही है, तो जिस एंगल से वो आई थी उसी एंगल से क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमने किसमें किया था, कनकेव में किया था, ऐसे ही किसमें है कन्वेक्स में है, सिर्फ क्या है मिरर का ही फर्क है, यही इंसिडेंट भी होगी आपकी और यही क्या होगी आपकी रिफ्लेक्टिव भी होगी। ठीक है, और लास्ट का क्या है आपका फोर्थ रूल है, फोर्थ रूल क्या कह रहा है आपको, फोर्थ रूल कह रहा है कि ये जो आपकी बनी है इमेज, जो आपका ऑब्जेक्ट है कहीं से भी ले आ रही है, ये आपका
मैच मिरर हो गया, ठीक है, ये आपका फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट आकर कहां से टकराती है, पोल से टकराती है, ये हमारा क्या था, पोल है, इससे टकराती है, जिस एंगल से वो आई है, मान लो इंसिडेंटली किस एंगल से आ रही है, एंगल आई से आ रही है, ठीक है, इंसिडेंटली, तो वो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो एंगल कौन सा बनाएगी आर, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो गए, ये कौन सा हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा दोनों ही केस में, कन्वेक्स और कन्केव के केस में ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मान लो हम मानते हैं कि ये यहाँ पर 30 डिग्री का होगा, हमने क्या मान लिया 30 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का ही होगा, तो एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 30 डिग्री, ठीक है, आया समझ रहे, ये थे इसके चार रूट, ठीक है, आपको समझना है, इसके बाद आप इसकी इमेज फॉर्मेशंस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पहला क्या पढ़ेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, अभी क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट क्या किया हो, प्लेस्ड किया हो, तो देखो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बनाना है कन्वेक्स मिरर बनाया हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, ये हमारा हो गया पोल, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लो ये क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी तो कहीं भी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, मतलब मैंने यहां मान लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पे ओ, ठीक है, अब क्या होगा कि यहां से क्या निकलेंगे, दो रेस निकलेंगे, पहली क्या जाएगी पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और दूसरी कहां से निकलती है, दूसरी कहां लगती है, सेंटर में जाएगी, तो ये कहां से ऐसे ऐसे स्मॉल सी होगी, क्योंकि कहां से टकराएगी, यहां से सेंटर, ठीक है, और एक कहां से जाएगी, एक हमारी फोकस करती गुजरी, और ये कैसे चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, ठीक है, ये ऐसे गई थी और ऐसे ही आ गई, ये ऐसे गई थी और ये ऐसे आ गई, ठीक है, ये तो निशान नहीं ये वाला, ये है इंसिडेंट रे का, और ये जो वापसी का है ये किसका है, रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक, ये आप समझ आ रहा, तो आप देखो अब जो इमेज बनी ये क्या है हमारा पोल और इन्फिनिटी पॉइंट के बीच में कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनी, ये देखो ये छोटी सी कहाँ बनी, यही बनी इस पॉइंट पे मीट हुआ ना, ये देखो यहाँ पे, तो इसको हमने वो डैश मार दिया। अब आपसे वो पूछेंगे कि साइज कैसा है ऑब्जेक्ट, इमेज साइज कैसा है, तो इमेज साइज आप खुद ही बताओ कैसा है, ये साइज और इस साइज में क्या होगा, smaller than the object size, ठीक है, या फिर देख सकते हैं diminished का मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है second, वो पूछेंगे आपसे बनी कहाँ है, ठीक है, image formation कहाँ हुआ है, image formation हुआ है आपका, इमेज फॉर्मेशन आपका कहाँ पे हुआ, आप ये देखें पोल और फोकस के बीच में, किसके बीच में, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है, और उसके बाद इमेज कैसे बनी है, अब आप ये देखो ये आपका क्या है, कंकेव मिरर है, अब मिरर के इस साइड क्या की पोलिश, यानी कि उसके अंदर आप देख रहे हो,
तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, तो आपकी इमेज कैसे, नेचर कैसा उसका, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरिक्ट, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरिक्ट। ये है हमारा पहला जो हमने किया है, तो आप बिल्कुल प्यार से अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने क्या किया, जस्ट ऑब्जेक्ट से दो रेज निकाली, ठीक है, एक हमें फोकस पे, एक हमें सेंटर पे गई, और वो जहाँ मीट हो रही है वहां पे हमने क्या बना दी, इमेज डिस्टेंस बना दी। सो इमेज बना दी किसकी, ऑब्जेक्ट की, और इसको क्या बोल रहे हैं हमने, इमेज, ठीक है। ये हमारा क्या है, उसे ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है कहां पे है, इन्फिनिटी पे, अभी हमने पढ़ा था इन्फिनिटी और पोल के बीच में था, अब कहां पढ़ रहे हैं, इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद ये हमारा फोकस, कहीं पे ये हमारा कहीं सेंटर, ये हमारा पोल, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि जो रे आ रही है, दो रेज आएगी, ठीक है, फर्स्ट रे आ रही हमारी इस पॉइंट पे, तो जो यहाँ से रेज आती है वो क्या होती जाती है, तो फोकस से है, और यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी किसी एंगल पे, यहाँ से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इस एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। क्या थोड़ा ऊपर हो जाएगी, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप प्रकार कैसे पेंसिल स्केच करोगे बिल्कुल एक्सेप्ट बनेगा, ठीक है। फिर एक रे यहाँ से आई, ठीक है, इसको जिस एंगल से आई उसी एंगल से तो रिफ्लेक्ट बैक होगी, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। ये इधर, ये अब देखो, ना तो इसकी कोई इमेज बन रही है, ना इसकी कोई इमेज बन रही है, पर आपको, आपने जब पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन के रूल, तो जब कोई इन्फिनिटी से रेज आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है, तो ये देखना, आप खुद देखना कि कहाँ मिल रही होगी आपकी, एक पॉइंट होगा फोकस पे कहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका फोकस थोड़ा सा सेट कर लेना, यहाँ पे जहाँ पे मिल रही होगी वो आपका क्या होगा, फोकस होगा, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी फोकस की, वही होगी जहाँ पे ये मीट हो रही होगी। क्योंकि आपने रूल्स में तो क्या पढ़ा था कि कोई भी ले आती है कहाँ से टकराती है, आपकी इन्फिनिटी से आती है, तो वो मिलती कहाँ पे है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी हमारी, ये था इन्फिनिटी में क्या है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी हमारी, किस पे बनेगी, फोकस पे, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा हाथ सेट नहीं बैठा, ठीक है। तो अब आपसे पूछेंगे साइज, इन्फिनिटी से आया उसका साइज तो बहुत बड़ा था, इसका साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन का, स्मॉलर देन का ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, कैसा होगा, एक तो स्मॉलर देन का ऑब्जेक्ट साइज होगा, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम इसको, हम ये भी बोल सकते हैं कि डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है, स्मॉलर देन का ऑब्जेक्ट साइज। उसके बाद बढ़ आ रही है इमेज फिर अगेन इनसाइड द मिरर, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरिक्ट। और एक और बात, क्या लास्ट स्टेप पर रह गया कि बन का रही है, ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है आपका, इसको हम नेचर बोलते हैं, नेचर कैसे हो, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपका, फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है आपका, फोकस पे, कहाँ बन रही है, एट द फोकस, ठीक है। ये आपके दो बेसिकली पूछे जाते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है, आपको आया समझ में, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं, ओके।
देखो ये क्या है, ये मिरर का लास्ट न्यूमेरिकल है कॉन्वेक्स का, इसके बाद आपका मिरर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, ये दी हुई आपको हाइट इसकी ऑब्जेक्ट की, किससे डिवाइड करते हैं हम स्मॉल एच वन से, इतनी होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपको डिस्टेंस, किसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है आपकी -10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, इमेज डिस्टेंस आपको दे ही रखी, फाइंड आउट करनी है इमेज डिस्टेंस। कई बच्चों को पता नहीं चलता कि इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इसमें देखो कहीं भी आपको इमेज का कुछ भी नाम दे रखा, कहीं दे रखा आपको सिर्फ इसके ऑब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, तो इमेज डिस्टेंस आपको ऑटोमेटिक पता लग जाना चाहिए कि हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगी 2f होता है, तो जब हम क्या निकालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे तो इसके नीचे ले आएंगे, तो वैल्यू कितनी है 30 upon 2 = हमारा फोकल लेंथ आ गई, कितनी आई हमारे 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या आ गई हमारी फोकल लेंथ आ गई। अब क्या करना है, फॉर्मूला भाई आपको पता ही है, 1 upon इमेज डिस्टेंस प्लस 1 upon ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 upon फोकल लेंथ, ठीक है। सारी चीजें आपको दी हुई है, गिवन है, ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालनी है, दी हुई है। इसको हम किसी डिनोट करते हैं 1/v से, इसको किसी डिनोट करते हैं 1/u से, इसको 1/h से, ठीक है। 1/v आपका ऐसे कैसे रहेगा, इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1/10 दी हुई है, माइनस का 10, ठीक है, इसकी कितनी दी है 1/15, ठीक है। जब इसको ओपन करेंगे तो 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15, जब हम इसको सोल्व करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15, उधर आगे कितना किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 1/10, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 32, और ये कितना आएगा 3, कितना आएगा 5/30, जब इसको कट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब सोल्व करेंगे तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आप देखो जब हमारी इमेज कैसी बनी है, पॉजिटिव बनी है, ठीक है, कैसी बनी है, पॉजिटिव बनी है, तो कहाँ बनेगी वो इमेज आपकी, सबसे पहले उससे पहले एक दो चीजें और पढ़ते हैं। देखो हमें निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालते हैं, सारी चीजें मैं आपको लास्ट में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला क्या है H2 upon H1, ठीक है, एक फॉर्मूला और है जिसको हम क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -YV/U, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। अब हमारे को वी और यू में वैल्यू दी हुई तो हम वी और यू से करेंगे, ठीक है, एक हाइट दी हुई हमारे को, हाइट की वैल्यू दी हुई, तो उससे चार बनाएंगे पहले मैग्निफिकेशन, वी और यू से निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, आप ध्यान से देखो इसको, डिस्टेंस निकालते हैं, हमारे पास हाइट क्या है, हाइट ऑब्जेक्ट हाइट है H1 कितनी है 5 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस निकालती है हमने प्लस की 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने निकाला क्या है, उसमें क्या कहा है, हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है, m इज इक्वल टू -V/U, v और u दोनों की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, v कितनी वैल्यू है, m इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है हमारी, v की हमने क्या निकाली, ये हमारा क्या है v है, ठीक है, कितनी है -6/1, कितनी ये कितनी दी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, ठीक है, माइनस का 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस से माइनस कर दिया कट जाएगा तो क्या आएगा 0.6 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया m की वैल्यू बन गई। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन,
क्योंकि हमने क्या निकाल दिया, हाइट निकाल दिया ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन, हमारे को एच वन गिवन है, एम गिवन है, ठीक है, एम इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मैं वर्डिंग में लिखता हूँ, हाइट ऑफ इमेज, ये क्या आएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये किससे आएगा, h2 टू अपॉन एच वन, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी है, 0.6, ठीक है, h2 टू हमें निकालना है, h1 की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जब इधर आएगा 0.6 इंटू फिर 5 कितना होगा, टोटल क्या होगा 30, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एच टू होगा, ठीक है। ये चीज क्या आ गई हमारी, क्या आ गई, हाइट, एच टू की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 3 सेंटीमीटर, और एम की वैल्यू आ गई हमारी 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी चीजें गिवन है, हमारे को मिल गई है, ठीक है। देखो हमने अब ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है, और जो बन रही है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो जो बनेगी वो कितनी होगी, ठीक है, तो आप देखो वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ होगा, फॉर्मेशन हो गया आपका बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर जब बनती है तो कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एलिमेंट, ठीक है, और आपसे क्या पूछता है, साइज कितना है, साइज कितना है उसका, 3 सेंटीमीटर हाइट, यानी साइज कितनी है उसका, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आज समझे आपका ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी 5 सेंटीमीटर थी, और जो आपकी एच टू जो निकाली है आपने, किसकी इमेज की डिस्टेंस या इमेज हाइट वो कितनी है आपकी, 3 सेंटीमीटर है, तो क्या होगी उससे, क्या होगी, स्मॉलर ही होगी, क्या होगी, स्मॉलर ही होगी उससे, ठीक है। ये था आपका मिरर का टॉपिक, हम अब आगे करेंगे लेंस के बारे में, वो हम करेंगे कल। धन्यवाद।